जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक देखा। लेबर कार्ड वालों को जेल भी हो सकती है या उनको सजा भी मिल सकती है। क्या कारण है इसका और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, चलिए डिस्कस करते हैं और बताता हूँ मैं आपको कि ऐसा क्या है जिन कारणों से आपको सजा भी मिल सकती है लेबर कार्ड बनाने के लिए। तो चलिए जरूर डिस्कस बात करना। करेंगे। सोनवर डीजी गुरु में आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब ठीक ही होंगे। चलो डिस्कस करते हैं, जानते हैं क्यों या वो सजा के भागीदारी भी हो सकते हैं या उन्हें जेल हो सकती है, क्या कारण है ऐसा। तो देखिए, कुछ टाइम पहले एक नोटिफिकेशन आया था अधिकांश लोगों के पास, जो कि आया था श्रम विभाग की तरफ से। श्रम विभाग, दिल्ली का जो श्रम विभाग है, उसने अधिकांश लोगों पे, उन लोगों पे जिन लोगों ने लेबर कार्ड के लिए अप्लाई किया था, उन लोगों पे एक वार्निंग मैसेज, चेतावनी वाला मैसेज भेजा था। पहले तो मैं आपको एक मैसेज पढ़ के सुनाना चाहूंगा जो श्रम विभाग की तरफ से आया था, चेतावनी वाला मैसेज। इसमें ये लिखा था कि निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण हेतु आपके द्वारा प्रस्तुत 90 दिनों के स्वयं प्रमाणित रोजगार सर्टिफिकेट को प्रमाण मानकर पंजीकरण किया जाएगा। यदि यह सर्टिफिकेट गलत पाया गया तो आप नियम अनुसार सजा के पात्र होंगे। यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन वापस लेना चाहते हैं तो पंजीकरण अधिकारी के पास प्रार्थना पत्र देकर इसे वापस करा सकते हैं। दिल्ली भवन अन्य सहनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड। तो ये छोटा सा एक वार्निंग मैसेज था श्रम विभाग की तरफ से। ये उन लोगों के लिए था गाइस, जिन लोगों के पास, जिन लोगों ने लेबर कार्ड अप्लाई किया है और वे एक अच्छी और काफी ठीक ठाक आय कमा रहे हैं और जो उस फील्ड से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। जो लोग इमारत बनाने में मजदूरों की, जिनकी सहायता होती है इमारत बनाने में, जिन मजदूरों का सहयोग होता है, जैसे बिजली मिस्त्री, क्रेन मिस्त्री, बेलदार मजदूर, ईंट पत्थर काटने वाले, ले जाने वाले, तो जो ये लोग नहीं है, इनके अलावा जो लोग अप्लाई कर रहे हैं लेबर कार्ड के लिए, तो ये मैसेज उन लोगों के लिए था। अगर आप भी उनमें से नहीं है या फिर आपको लगता है कि मैं एक अच्छी आय कमाता हूँ और फिर भी मैंने लेबर कार्ड बना रखा, तो ये आप जो मैसेज आया आपके पास श्रम विभाग की तरफ से, आप उसके अनुसार चलें ताकि आपको, आप भविष्य में, आने वाले भविष्य में कोई भी, आप किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर कुछ ऐसा हुआ, कुछ वेरिफिकेशन अगर आप तक पहुंची और वेरिफिकेशन के दौरान आप गलत पाए जाते हो सकता है सजा, सरकार आपके खिलाफ कुछ फाइनेंशियली तौर पे आपको फाइन करे या तो कुछ दस्तावेजों के हिसाब से, धोखाधड़ी के हिसाब से आपको कुछ समय के लिए जेल भी काटना पड़ सकती है कानून व्यवस्था के अनुसार। तो ये टॉपिक बहुत जरूरी लगा मुझे बताना कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, साथ ही साथ मेहनत करने के बाद आपके पास एक वार्निंग मैसेज आता है। उस वार्निंग मैसेज में बताया जाता है कि किस तरीके से आपके पास जो आपने डाटा सबमिट किया है वो डाटा सही है तो उस पे आंसर ना दें, अगर सही नहीं है तो आप अपना जो लेबर कार्ड आपने बनवाया है उसे रिजेक्ट करवा सकते हैं। तो मैंने सोचा ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए, तो इस विषय में मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसी इन्फॉर्मेशन और ऐसी जानकारी पता लगती रहे टाइम टू टाइम। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें टाइम टू टाइम यूट्यूब के द्वारा और मेरे द्वारा। तो मिलता हूँ मैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।